हाँ बहुत मोटे होने वाले हैं दुनिया के लोग इतना बर्फी बर्फी खा खा के, बट टू बी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है कि आई थिंक सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि ऑडियंस ने फिल्म को पसंद किया है, बॉक्स ऑफिस में इतना कुछ कमा रही है फिल्म, क्रिटिक्स को पसंद आई, इतना प्यार जुड़ गया है फिल्म के साथ, आई थिंक उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होता। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर योर चॉइसेस टू एक्चुअली बी वैलिडेटेड बाय पीपल फ्रॉम योर ओन कंट्री एंड दे फील दैट योर मूवीज आर फिट टू रिप्रेजेंट इंडिया द एकेडमी अवार्ड्स, देयर कैन बी नो बेटर फीलिंग देन दैट। बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था ये सिर्फ शुरुआत है, अभी इसके आगे ऑस्कर कमेटी को बेस्ट फाइव में चुनना पड़ेगा फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में, आई थिंक जब तक वहाँ पहुँचे वी कांट रियली से कि ये सब हो गया है, तो बट शुरुआत अच्छी है एक्चुअली। हमें बहुत कुछ एक्चुअली सीखना पड़ेगा अमृत सर से, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी गॉन टू द ऑस्कर्स, तो आई गेस हम उनका उनकी एडवाइस लेंगे अभी इसके आगे क्या कर सकते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी इंडियन कमेटी ने हम पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, बर्फी को चुना गया है टू रिप्रेजेंट इंडिया, अभी इसका आगे बहुत कुछ करना है। Of course, expectations are a lot because I have a lot of immense faith in this film. I'm really proud to be part of this film. So a lot of hope and a lot of faith. आई थिंक सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही हुई है कि फिल्म इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस में चल रही है, जनता इतनी पसंद कर रही है फिल्म को, इट्स ऑलरेडी मेड समवेयर हाउ मच मोर देन 62 करोड़ इन 8 डेज, और आज इस न्यूज़ के बाद शायद लोग को और एक क्यूरियोसिटी हो फिल्म के बारे में, और यू नो लोग आए फिल्म को मौका दें, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो रहा है, आई थिंक गॉड इज़ रियली ब्लेस्ड अस, हमारी जो मेहनत अभी रंग ला रही है, सो इट फील्स रियली ग्रेट। एंड मेरी चाहत यही कि मैं 500 करोड़ तक जल्दी पहुंच जाओ, 100 करोड़ तो अब सब लोग ने तोड़ दिया है, लेकिन हाँ अच्छा ही लगेगा। See, of course, I mean, that's something that you would obviously hope for. It is a very difficult path now. You are competing with the best cinema from around the world. So it would be a bit presumptuous to assume that our film will be the one to be there. But we think we've made a good film and we're going to ensure that the film gets the awareness within the community that it needs in order to at least get noticed. And then hopefully the film will speak for itself. देखिए मेरे लिए अवार्ड्स इतना महत्व नहीं रखता, अच्छा लगता है एक पीठ पर एक थप्पी मिलती है कि वेल डन, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा रिवॉर्ड और अवार्ड यही होता है कि ऑडियंस फिल्म को देखते हैं, ऑडियंस फिल्म को पसंद करे, अगर ऑडियंस बोले कि हाँ पैसा वसूल हुआ है, हमारे परिवार का यू नो जो मनोरंजन है वो इन फिल्म मेकर्स ने इसका देखभाल किया, आई थिंक वो सबसे बड़ा अवार्ड रिवॉर्ड।